सैनिक कंटीन और नगर पंचायत दौलतपुर चौक में बने कंटेनमेंट जोन का सोमवार को तहसीलदार घनारी रोहित कंवर ने औचक निरीक्षण किया। उन्होंने कंटीन मैनेजर बच्चन सिंह चंदेल और स्टाफ से और ज्यादा सावधानियां बरतने का आह्वान किया। इसके अलावा उन्होंने कंटेनमेंट जोन में स्थानीय पंचायत प्रतिनिधियों को भी जरूरी दिशा निर्देश दिए। इस दौरान कैंटीन मैनेजर ने बताया कि कैंटीन का समय सुबह 9 से दोपहर 2 बजे तक रखा गया है और एक समय में सिर्फ 6 व्यक्ति ही कैंटीन के अंदर प्रवेश कर सकते हैं। पालन सही तरह से नहीं हो रहा है, उसके लिए हमारे एडमिन स्टाफ ने यहाँ पे ग्राउंड दिया था और यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दे देंगे कर्नल साहब को और उसके लिए जो मेंटेन करने की जरूरत है बता दीजिए। नेक्स्ट हम 10-5 दिन में दोबारा चेक बार चेकिंग कर लेंगे, अगर कुछ लगेगा तो ठीक है। ओके, 2 बजे तक टाइमिंग एज पर जो आया हुआ है वो उसको हम फॉलो करेंगे और कोई स्पेसिफिक ऑर्डर नहीं है, ओनली जो व्हाट्सएप पे आया हुआ है वो उसी पे हम फॉलो करेंगे। जो एक्सेबिस में अभी सामान लेने के लिए आ रहे हैं उसके लिए आपने क्या हिदायतें दे रखी हैं? इनके लिए बुकिंग कर रखा है जी, और बुकिंग के हिसाब से टाइम के हिसाब से उसका नंबर एंड टाइम है उसके हिसाब से ही आते हैं। पर नीचे जो बस स्टैंड है इसीलिए बस स्टैंड में मेला हो जाता है, एक्सेबिस मैन फिर भी कोऑर्डिनेटर में बैठे हैं, उनको लेक्चर दे रहे हैं, बता रहे हैं कि कोविड जो डिस्टेंसिंग मास्किंग और इसके बारे में और मास्क और सैनिटाइजर के बारे में आप जानकारी दे रहे हैं प्रॉपर सारी दे रहे हैं। एंड हमारे एंट्रेंस गेट पे भी एंट्रेंस से उनको जो फीवर चेक किया जा रहा है और उसके बाद उनका सैनिटाइज किया जा रहा है, उसको तब उसको एंट्री एट ए टाइम यहाँ पे 6 आदमी एंट्री करते हैं एट ए टाइम। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए दौलतपुर से AK कालिया की रिपोर्ट।